हेलो दोस्तों, हम रेखा यादव रेखा सत्यम ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों को बता दें कि कल हम लोग नहीं थे, तो कल मुर्गी के घर में दवा डलाया, वो आप लोगों को नहीं बताएं। और सुबह में एक मूस, बहुत बड़ा मूसा था, वो मरा हुआ था चूहा। तो दोस्तों, उसमें दवा करवाइट डलाया है और एक बिस्किट की तरह दवा आता है वो भी डलाया है मूस को मारने के लिए। क्योंकि पूरे उधर दाना जितना डालते हैं हम लोग, वो पूरा दाना खा जाता है। उसके बाद में खाता है सब ढो के भी ले जाता है। पूरे ठंड के दिन से और अभी तक पूरा अंडा जितना देती थी मुर्गियाँ, उतना जितना वो चाहता था उतना ढो के और सब चूहा ले जाता था। पता नहीं कहाँ ले जाता था, आज तक ले पता नहीं लगा। लेकिन चूहा ने तो मुर्गी को जीना हराम कर दिया। तो दोस्तों, अभी चलेंगे मुर्गी फार्म में और आप लोगों को दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ दवा डलाया है। तो अभी दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पर अपने से एक गाछ हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग जानते होइएगा तो बताइएगा ज़रूर कि कौन चीज़ का गाछ है, हम लोग को पता नहीं लग रहा है कौन चीज़ का गाछ है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छे से दिखा देते हैं आप लोग, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को अगर समझ में आता होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे है और एक मुर्गी फार्म के पास में है और बहुत सारा था, वो काट के फेंक दिए, तो कुछ अच्छा होगा या कुछ में काम आ जाएगा तो अच्छा ही है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके अंदर में थोड़ा थोड़ा बिया की तरह है, ये इसलिए आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कौन चीज़ है। और अभी लेके चलते हैं आप लोगों को मुर्गी के फार्म के पास। तो एक मुर्गी अभी बची है, अभी फार्म के पास चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ कहाँ दवा डलाया है। तो हम आ गए यहाँ मुर्गी फार्म के पास और जाते हैं अंदर, आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ भी कोड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ दो टोकरी माटी लगेगा, यहाँ से भी कोड़ा है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ से बता देते हैं कि इसी में बहुत बड़ा कार था, आप लोगों को दिखाए थे पानी डाल रहे थे तो कितना पानी जा रहा था, यहाँ पर था कार। तो इसी में दवा डला के और टोपा गया है कि ये मुर्गी खा ना जाए, और एक ही मुर्गी बची है, ज़्यादा नहीं है। और इस सब बाड़ी एरिया भी सब को इसमें मिट्टी डालना है, आप लोग देख सकते हैं पूरे बुरी तरह से ख़राब हो गया है। तो कल इसमें मिट्टी डालेंगे और कल परसों चूजा मंगाएंगे, दो तीन दिन टाइम लगेगा। इसी के चलते नहीं मंगा रहे कि टाइम लगेगा इसमें। अंडा भी दी है, अंडा को हम नहीं निकालेंगे अभी, अंडा उंडा हम नहीं छूते हैं, तीन चार महीने के लिए अब नहीं छुएंगे। इसे आ जाते हैं मुर्गी घर में, दाना पानी देने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पूरे मुर्गी फार्म को ही खराब कर दिया है मूस, क्या बताएं आप दोस्तों। बहुत इसमें मेहनत लगेगा, देख लेते हैं। पूरे एक दिन ही सबको झाड़ झूड़ किए, बहुत कचरा था सब पर, तो सबको झाड़ दिए हैं चारों तरफ से, आप लोगों को दिखा देते हैं। और बाहर भी ऐसे कार किया है, आप लोगों को बता देते हैं कि मुर्गी फार्म से कहाँ तक ले कार है। पूरे एकदम अंदरे अंदरे माटी निकाल के और यहाँ तक, इधर देखिए यहाँ पूरे फार्म के अंदर में भी जा सकती है बाहर से ही कार करके। और उधर है नीचा, इधर खेत है उसके नीचा में पूरे एकदम बहुत सारा बिल करके रखी है, वहाँ पर सब अंडा और दाना को ले जाके रखती। तो दोस्तों, हम माँ बेटा यहाँ पर आ गए हैं। सत्यमा ना, ऐ हाँ। तो दोस्तों, हम माँ बेटा यहाँ पर आ गए हैं मुर्गी फार्म से।
और आप लोगों को दिखा दिया, एक चूहा को तो कल मार डाले हम लोग, लेकिन एक ही बचा है। कल तो हम नहीं थे लेकिन मम्मी डाली थी, और सुबह में एक चूहा मारा हुआ मिला है। तब तक हम सो रहे थे, थोड़ा लेट से उठते हैं इसलिए हम वीडियो नहीं बनाए थे दोस्तों, उसका भी वीडियो बनाते। सत्यम को अभी नहलाए है, इसको तेल डालना है इसमें। हाय दोस्तों, हाय दोस्ते, कैसन है? क्या रहे? ठीक है, क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं, खाना खा लिए? खाना खा लिए, खूब खाना चोर माता पौधे के माता। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, सत्यम का खुरापाती चलते रहता है और चलते रहेगा, इसका बंद नहीं होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरी मुर्गी को घर में चूहा को मारने वाला अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये तरीका, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए कि मुर्गी अब उसमें रह सकती है कि नहीं, और चूहा अब आएगा कि नहीं, क्योंकि उसकी मिट्टी के अंदर में डाल दिए हम लोग दवा। सभी चूहा मर जाएंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहाँ पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।